आप सभी लोग पिछले 4-5 दिन से संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक के प्रचार विभाग के निमंत्रण पर कई प्रकार के संवाद, पत्रकार वार्ता, इन सभी में आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के बारे में न केवल जान रहे हैं, आपके सहयोग भी दे रहे हैं और हमारे विचार को देश दुनिया भर में पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए संघ के ओर से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। वैसे नागपुर के माध्यम के लोगों के लिए संघ नया नहीं है, वैसे देश भर में कहीं भी नहीं है। एक विशेष प्रसंग मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर हुआ। पिछले बार मैं सरकार विभाग के नाते जब निर्वाचित हुआ, मेरे ऊपर ये दायित्व आया, वो बंगलोर में था। संघ के जीवन में पहली बार संघ के इतिहास में सरकार विभाग का निर्वाचन नागपुर से बाहर हुआ था। तो मेरे मन में दायित्व बहुत तो उसमें था, लेकिन स्मृति मंदिर परिसर में मेरे ऊपर ये गुरुतर दायित्व नहीं आया, ऐसे मेरे मन में था। मैं कह भी नहीं सकता था दोबारा करो ऐसे। तो जो भी हो, कोविड के कारण उस समय प्रतिनिधि सभा बैठक यहाँ नहीं हो पाई, बेंगलोर में संभव था। उस समय के जो भी प्रोटोकॉल था उसमें और SOP वगैरह थे, तो बेंगलोर में संपन्न हो गया और चुनाव वर्ष था। तो इन द लाइटर मैन, दत्तात्रेय जी बेंगलोर के हैं इसलिए चुनाव को बेंगलोर में खींच लिया, ऐसे किसी को लगा होगा। मेरे तो इतनी क्षमता तो मेरी नहीं रहती है। आज मैं पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ इस गुरुतर दायित्व के लिए, मेरे योग्य समझा और इस दायित्व को निभाने के लिए जो संघ के परंपरा है, बड़ों के मार्गदर्शन है, उन्होंने जो जिस प्रकार के एक मार्ग प्रशस्त किया है, उस पर चलने का प्रयास मैं करूँगा। इससे ज़्यादा इस संदर्भ में मैं नहीं कहना चाहता। प्रतिनिधि सभा बैठक संपन्न हो रही है, आज शाम तक समारोह के साथ पूजनीय सरसंघ चालक जी के पाथेय सभी प्रतिनिधि सभा में आए हुए लोगों को मिलेगा, उसके साथ बैठक समाप्त होगी। संघ के निरंतर कार्य बढ़ने के कारण कई आयाम बढ़ते हैं और शाखाएं बढ़ती हैं, शाखा बढ़ती है तो संघ के प्रतिनिधि बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। इसलिए इस बार हमारे लिए व्यास सभागृह, जो प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के लिए बैठ सकते हैं, ऐसे करके कुछ वर्ष पहले निर्माण किया था, वो कम पड़ गया। तो इसलिए मैदान में एक अस्थाई रचना करनी पड़ी। तो अच्छी बात है, संघ के कार्य बढ़ने से और हमारे कार्यालय और इस प्रकार के भवन छोटे पड़ते हैं तो अच्छा है। तो भवन बड़ा होना एक है, लोगों के दिल उससे बड़ा है। तो इसलिए लोगों के हृदय के अंदर संघ प्रवेश कर रहा है और समाज में संघ के प्रभाव बढ़ते जा रहा है। अभी श्री रामलला प्रतिष्ठा के पूर्व 1 से 15 जनवरी तक देश भर में अक्षत वितरण के कार्यक्रम जो हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी दिए हैं। उसमें जिस प्रकार लोगों के स्वागत रहा, वह देश के अंदर वातावरण कैसे है और वर्षों से संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और सारे हिंदू समाज जिस सपने को देख रहा था और जिस विषय के आग्रह पूर्वक हमने कहा था, श्री राम जन्मभूमि और उस पर एक मंदिर, यह भारत के सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है।
श्री राम भारत के सिविलाइजेशनल सिंबल है। राम मंदिर इस देश की अस्मिता का प्रतीक है, यह बार बार सिद्ध हुआ है। और 22 जनवरी के पौष शुक्ल द्वादशी के कार्यक्रम इसको पुनः सिद्ध करके दिखाया है। तो इससे भी अधिक का हमारे लिए एक आनंद की बात यह है कि देश भर में स्वयंसेवक और इस विचार के साथ जुड़े हुए लोगों ने 19 करोड़ से अधिक, लगभग 20 करोड़ तक घरों का संपर्क किया है। यह मुझे लगता है भारत के इतिहास में किसी भी एक अभियान 15 दिन के अंदर जो हुआ है उसमें एक कीर्तिमान है। इट इज अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन जस्ट 15 डेज पीरियड सच ए वाइड एंड नेशन वाइड कॉन्टैक्ट हैज बीन पॉसिबल। और 578,000 गांव हिंदुस्तान के और नगरीय क्षेत्र में भी लगभग 4,727 इतने व्यापक संपर्क इसीलिए हो पाया। एक है इस राष्ट्रीय अभियान जो है मंदिर निर्माण का, उससे लोग जुड़े हैं। दूसरा ये हो पाया संघ के कार्य के जो जाल है संगठन का, उस नेटवर्क के कारण संभव हुआ है। क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र तक का विषय को ले जाने का कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। समाज के लोग शहर से इसके साथ जुड़ गए, इसलिए ये केवल स्वयंसेवकों का काम नहीं रहा, सारे समाज का रहा। इसलिए समस्त समाज को हम सभी कृतज्ञ हैं और अभिनंदन भी करते हैं। क्योंकि एक दृष्टि से राम मंदिर का निर्माण को किसको कौन कृतज्ञता व्यक्त करे, यह हम सभी मिलकर किए कार्य है। तो इन ए वे सेल्फ कंग्रेचुलेटिंग ही होगा, सब मिलकर सभी का अभिनंदन देना है। क्योंकि समाज का कार्य है, समाज ने किया है, राष्ट्र का कार्य है, राष्ट्र ने किया है। दूसरा है कि संघ के शताब्दी वर्ष नजदीक आ रहा है। संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने जो संगठनात्मक दृष्टि से कार्य विचार किया है, वह कार्य के विस्तार के हम पूर्ण मंडल, पूर्ण खंड के और पूर्ण नगर के एक लक्ष्य लेकर चले हैं। एक खंड में डेवलपमेंट ब्लॉक जो है विकास खंड, उसमें जितने भी मंडल है उन सभी मंडलों में संघ के कार्य किसी न किसी रूप से, शाखा अथवा मिलन, नित्य शाखा अथवा साप्ताहिक मिलन यह होना चाहिए। यह हमारा संकल्प है, हम अगले एक वर्ष में इसको पूरा करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करने वाले हैं। 2025 के विजयदशमी से शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा, उससे पूर्व इसको पूरा करने के हमारे लक्ष्य है। पिछले 2-3 वर्षों में हम आगे तो बढ़े हैं, बीच में 1-2 वर्ष कोरोना के कारण, कोविड महामारी के कारण कार्य की गति में थोड़ा सा, वह उस समय जो निर्बंध थे, शाखा लगना मुश्किल था, प्रवास नहीं कर सकते थे, हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग वगैरह नहीं हो पाए, तो इस कारण से स्वाभाविक रूप से वो गति पर थोड़ा सा अवरोध आया। अन्यथा मेरा विश्वास है अब तक हम इस लक्ष्य के और नज़दीक आ जाते और इस वर्ष में उसको पूरा करते। तो उस अवरोध को हम पार करके अभी कोरोना की स्थिति से पहले से हम आगे बढ़े हैं। तो कार्य के व्याप्ति एक है, इस कार्य सर्वस्पर्शी होना चाहिए, समाज के हर वर्ग के लोग। आज भारत के सभी वर्गों के, हिंदू समाज के सब प्रकार के पंथ संप्रदाय जाति वर्ग संघ के कार्यकर्ता के नाते सहभागिता में हैं। देश के हर कोने में संघ के कार्य है, समाज के सभी स्तरों के, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से आज संघ अक्षरशः एक राष्ट्रीय अभियान बन गया है। यह केवल एक संगठन तक सीमित नहीं है, दिस हैज बिकम ए नेशन वाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इट्स ओन यूनिक टाइप। संघ के कार्य स्वयंसेवकों के सहभागिता से चलता है।
समाज में सब प्रकार के अच्छे काम को सहयोग देना, स्वयंसेवकों के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए हमने जो परिवर्तन के दृष्टि से परिवार के अंदर जीवन मूल्य, पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक समरसता, सब प्रकार के भेद को भूलकर छोड़कर हम सब एक समाज के, एक राष्ट्र के लोग हैं, इस भावना को लाना है। समाज के अंदर के सब प्रकार के कुरीति को दूर करने हैं, भारत को एक समृद्धशाली, समर्थशाली, स्वाभिमानी भारत के रूप में बनाना है। इन सब में किसी एक समुदाय, किसी एक वर्ग ऐसे नहीं है, समाज के सभी प्रकार के लोग इसमें संघ के इस विचार को समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए समाज के इस विश्वास को हम अर्जित कर पाए हैं, ये इसलिए हमारे लिए एक धन्यता का भाव भी है और समाज के प्रति हम कृतज्ञ भी हैं। समाज और संघ अलग नहीं है, यही हमारे सपना है, कल्पना है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सोसाइटी बट इट ऑर्गेनाइजेस द होल सोसाइटी। तो यह एक कल्पना जो है, इसको हम समाज का संगठन के रूप में करने के लिए सामाजिक सद्भाव के कार्य, इसमें समाज के सब प्रकार के लोग आएंगे। हमारी गतिविधि जो हम कहते हैं वो संगठन के रचना के अंतर्गत एक स्ट्रक्चर, उसको हमने जानबूझकर नहीं बनाया, क्योंकि ये सारे हमारे गतिविधि जो हैं दे आर पार्ट ऑफ मूवमेंट्स। फैमिली के अंदर अच्छे जो बात होनी चाहिए, या पर्यावरण की रक्षा जो होनी चाहिए, या सामाजिक समरसता जो एस्टैब्लिश होनी चाहिए, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, सारे समाज का काम है। इसलिए बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन ये समाज के एक अभियान बने, इसलिए हमने इसको उसी प्रकार चलाया है। संघ के नित्य के कार्य ऑर्गेनाइजेशन से चलता है, लेकिन समाज के परिवर्तन का कार्य समाज से चलना चाहिए। उसके लिए आवश्यक पहल, इनिशिएटिव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, प्रचारक, स्वयंसेवक ये करेंगे, क्योंकि ये सब समाज में छोटे बड़े रूप में कई लोग कर भी रहे हैं। हम उन सभी सज्जन शक्ति के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, संघ समाज की धारा से अलग रहकर ये हमारा काम है, ऐसे दिखाने के कोई प्रयत्न हमारा नहीं होगा समाज में जो अच्छा। इसलिए राम मंदिर का काम भी ये केवल संघ का नहीं है, सारे हिंदू समाज का है, सभी संत मिले, सभी अर्ज मिले, सब प्रकार के लोग मिले, ऐसे प्रत्येक कार्य सारे समाज का बने, इसके लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति, उसके लिए आवश्यक पहल, उसके लिए आवश्यक न्यूनतम स्ट्रक्चर, ये करना संघ के कार्य है। हम कर रहे हैं शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन के कुछ आयामों को लेकर हम चले हैं, वो इन समाज परिवर्तन के कार्य के लिए है। देश के अंदर कई प्रकार के चुनौती भी हैं, देश के प्रगति के गति को अवरोध करने वाले शक्तियां भी समय समय पर सिर उठते। वार्षिक प्रतिवेदन में मैंने दो चार बातें इस संदर्भ में उल्लेख भी किया है। दुखद बात होती है कि समाज के अंदर ही स्पृश्य अस्पृश्य, ऊंच नीच भाव से कहीं घटनाएं होती है, तो संघ के कार्यकर्ता समाज के धार्मिक सामाजिक नेतृत्व के लेकर उसको ठीक करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। कई बार एक दुर्भाग्य की स्थिति ऐसी होती है कि समाज में इस विषय को अभी भी हमको एड्रेस करना पड़ता है। इसलिए समाज की एकता के लिए संघ के हमेशा वरीयता है, प्राथमिकता है। सामाजिक समरसता इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, एक श्रद्धा का विषय संघ के लिए, इट इज नॉट ए स्ट्रेटजी, इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट और आउटकम, इट शुड बी एन आर्टिकल ऑफ फेथ ऑफ एवरीबडी इन दिस कंट्री। उस दिशा में संघ का काम है। तो इसलिए समाज परिवर्तन के भिन्न भिन्न कामों में जब संघ आगे बढ़ रहा है, देश की एकता या संदेशकालीन जैसे घटना जब होती है या घटना हो रही है उसकी जानकारी मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश पैदा होता है,
संघ के स्वयंसेवक, विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ता, इसका भरपूर भर्त्सन भी किया, उस में आवाज उठाए, राष्ट्रपति के पास जाकर, वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाकर कार्य उनके याचिका ज्ञापन देने का कार्य भी महिला समन्वय ने, वनवासी कल्याण आश्रम ने, सबने किया है। तो इस प्रकार के कार्य किए हुए लोग यहाँ प्रतिनिधि सभा में भी आए। तो ऐसे कहीं देश के विरुद्ध की कुछ गतिविधि होती है, संघ के स्वयंसेवक हमेशा उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का या उसके उस समस्या को, उस चुनौती को सामना करने का कार्य हम करते हैं, करते रहे हैं। तीसरी बात, आपदाएं आती हैं, नैसर्गिक प्राकृतिक आपदाएं, इस बार तमिलनाडु में हुआ और कहीं हुआ, भूकंप होते हैं, बाढ़ आती है, नागपुर में ही जिस प्रकार के वर्षा इस वर्ष के अंदर हुए, तो उस समय भी संघ के स्वयंसेवकों ने कार्य किया, आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। तो संघ के स्वयंसेवक इस प्रकार के समाज के रक्षा और कार्य में हमेशा हैं। देश में लोकतंत्र के एक महापर्व भी आने वाले दिनों में होने वाला है। देश को अधिक मजबूत करना, देश के दृष्टि से लोकतंत्र को बनाए रखना और देश की एकता को भी, और देश के जो प्रगति के रफ्तार है उसको भी बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर संघ के स्वयंसेवकों के लिए संघ ने ये कहा ही है, हमने इस बार भी कहा है, 100% मतदान के लिए संघ के स्वयंसेवक प्रयत्न करें। किसी भी प्रकार के भेदभाव को उत्पन्न करने वाले विचार को दूर करके देश के लिए काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक उसी विचार को समाज के अंदर प्रसारित करें। तो उस दृष्टि से ध्यान रखकर समाज इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के आंतरिक वैमनस्य, समाज के बिखराव, देश की एकता के विरुद्ध की कोई भी बात ऐसे ना हो, तो इसलिए देश के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए इस लोकतंत्र के पर्व को सफल और सार्थक बनाना भी देश के काम है, संविधान का कर्तव्य है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक राष्ट्रीय जिम्मेवारी भी है, इसको भी निभाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो पुनः एक बार आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। तो कोई विषय है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, माइक लेकर बोलना अच्छा रहेगा, माइक दे दो। कौन करना चाहिए आप बताएंगे? हाँ, इधर से शुरू करते हैं फिर इधर आते हैं। मैं सलमान रावी हूँ बीबीसी से। मैं ये इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट चाहता हूँ कि आप करें कि सामाजिक समरसता जो आपने कहा है, तो सामाजिक समरसता में मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का समाज या और भी कम्युनिटी के समाज भी इंक्लूडेड हैं इस सामाजिक समरसता में? समाज समरसता का फोकस ऐसे है कि हिंदू समाज के अंदर दुर्भाग्य से ऊंच नीच, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, छुआछूत की बात जो है उसको दूर करने के लिए संघ प्रारंभ कर, फ्रॉम डे वन ये हमारा प्रयास है, समाज में उस प्रकार के करना चाहिए। इसलिए हमने हिंदू समाज में क्या होता है, मंदिर में प्रवेश नहीं है, पानी तालाब की दृष्टि से, स्मशान किसी जाति के लिए उनके लिए प्रवेश नहीं है, ऐसे होता है दुर्भाग्य से, कुछ छोटे स्थानों पर गाँव में है, नगरीय क्षेत्र में कम दिखता है या लगभग नहीं है, लेकिन आज भी है, तो इसको दूर करना चाहिए, एक पहला विषय सामाजिक समरसता के दृष्टि से। आपने जो कहा, समाज में सब प्रकार के पंथ, संप्रदाय के, मजहब के लोग रहते हैं, हमने राष्ट्रीय एकात्मता के दृष्टि से भी उसी प्रकार के, अभी राम जन्मभूमि आंदोलन में, इस राम जन्मभूमि आंदोलन के ये जो परसों कार्यक्रम किया अक्षत ये और जगह जगह पर गए, उसमें समाज के सब प्रकार के बंधु पंथ संप्रदाय के थे, वहाँ भी आए थे,
मैं 22 जनवरी को वहाँ अयोध्या में था, केरल में ईसाई मुसलमान, तो वो क्या थे, राष्ट्रीय एकात्मता के दृष्टि से जो समाज के सब प्रकार के पंथ संप्रदाय, संघ इसका आग्रह पूर्वक करता है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने समाज के इस ऐसे वर्गों के प्रमुख लोगों से संवाद करने का लगातार प्रयास पिछले वर्षों में किया है, आप लोगों ने भी उसका प्रचार भी किया है। इधर एक माइक दे दो। सर, आपने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ उससे अलगाववाद आतंकवाद को बढ़ावा मिला, क्या कोई किसान आंदोलन अलगाववाद को जन्म दे सकता नहीं? है? दो अलग अलग वाक्य हैं। पंजाब में अलगाववाद के आतंकवाद के एक पहले का भी अनुभव है, वो पिछले दिनों में उसका सिर उठा। एक पंजाब में दो स्थिति हो गई, एक है किसान आंदोलन के आड़ में थोड़ा अराजकता फैल गई, पिछले वर्ष हम देखते हैं दिल्ली में जिस प्रकार हुआ, तो किसान के आंदोलन में किसान के पक्ष कम हैं, वो वहाँ किसी न किसी प्रकार से स्थिति को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य ज़्यादा है। सारे किसान उसके बीच में नहीं है देश भर के या पंजाब के भी, तो इसलिए ये अनार्की पैदा करने के एक प्रकार है। तो पंजाब में और एक समस्या भी पिछले दिनों में हुई है, अमृतपाल सिंह को अरेस्ट भी किया, तो एक अलगाववादी आतंकवाद के एक उन्होंने चलाया था, तो इसलिए वो भी हुआ। पंजाब दोनों समस्या से जूझ रहा। मैं पंकज सोनी हूँ, फर्स्ट इंडिया जयपुर से। आपने संदेश खाली वाली घटना का जिक्र किया, तो इस घटना के पीछे संघ का क्या मानना है? क्या महिलाओं का जो महिलाओं के समाज में मुखरता होनी चाहिए, महिलाओं का जो प्रभाव होना चाहिए वो कम है, उसको लेके संघ क्या सोचता है? और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो उसको लेके भी क्या संघ किसी तरह का कोई प्लान बना रहा है या उस पर काम कर रहा है? समाज में इस दृष्टि से जागृति और अधिक होनी चाहिए, इसलिए प्रतिवेदन में मैंने कहा भी है, सब प्रकार के राजनीतिक दल और बाकी लोग अपने इस किसी भी बाकी भेदभाव जो है राजनीति में अलग अलग होना है, लेकिन ऐसे विषयों में एक मत होकर जो गुनाह किए गुनाहगार हैं उनको कठोरतम दंड देना चाहिए, इसके लिए सबका प्रयत्न होना चाहिए, यह हमारा आग्रह है, वो तो हम करेंगे। महिलाओं के जागृति के लिए क्या कर रहे हैं? अभी उदाहरण के लिए महिला सम्मेलन पिछले दिनों में जो हुआ है, 5-6 महीने में देश भर में 5 लाख से अधिक महिलाएँ जिले और विभाग के छोटे छोटे सम्मेलन में इकट्ठे हुई, दिन भर के 3-4 सत्रों में बहनें समाज की दृष्टि से राष्ट्र के दृष्टि से हमारी भूमिका क्या है, महिलाओं की एक प्रभावी भूमिका देश के निर्माण में देश की प्रगति में है ही, संघ इसको मानता है। प्रतिनिधि सभा में भी महिला समन्वय के महिलाओं के संगठन के कई प्रकार के बहनें यहाँ भाग ले रही हैं। देश भर में महिला समन्वय के जो सम्मेलन हुआ ये दर्शाता है कि महिलाओं की जागृति और सब प्रकार के भूमिका है, संघ इसको आग्रहपूर्वक आगे बढ़ाता है। तीसरी बात, जो मैंने सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों के बताया, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, ग्राम विकास, इन सब में महिलाओं की भागीदारी अच्छे तरह से है और भी हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के विषय जो है ये समाज, जैसे सामाजिक समरसता है आर्टिकल ऑफ फेथ मैंने कहा, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान यह हर घर के लोगों को, अगली बच्चों को, पीढ़ियों को भी, घर के लोगों को भी बताना चाहिए महिलाओं से कैसे व्यवहार करना है, शिक्षा में आनी चाहिए, हमारे साहित्य में, फिल्म में, नाटक में, क्योंकि समाज के साथ बहनों के साथ व्यवहार कैसे करना ये स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। लेकिन ये घटना जब होती है इस प्रकार के, इसको तो भर्त्सना करनी है, खंडन करना ही है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, वो तो हम करेंगे, लेकिन ये घटना हो गई उस समय विरोध करना केवल वो करने से होता नहीं है, इसलिए समाज में इस प्रकार के का महिलाओं के संदर्भ में क्या हो रहा है, या तो देवी या तो दासी एक्सट्रीम में सोचते हैं, ऐसे ना हो, महिला कर्तृत्व से, नेतृत्व से पुरुषों के जो जो करने के उनके सामर्थ्य है वो सभी वो कर रही हैं, अब चंद्रयान में हो, वैक्सीन बनाने में हो, खेल खिलाड़ी बनने में हो, या
पत्रकारिता माध्यम में हो, हर जगह पर महिलाएं पहुंच सकती हैं और होती भी हैं, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। संघ इसके पक्ष में है। माइक ले लो, माइक लीजिए। चार्ल्स साल्वे पीटीआई से, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेके अभी सोसाइटी में, समाज में बहुत कंसर्न्स रेज हो रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि फेवर्स पाने के लिए बॉन्ड्स खरीदा गया है, तो इसमें संघ का क्या दृष्टिकोण है? इसके बारे में संघ ने अभी ज्यादा हम इस विषय में सोचे नहीं है, यहाँ हमने चर्चा भी नहीं की, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक प्रयोग है। इस प्रकार के प्रयोग को करें और उसमें जो चेक्स एंड बैलेंस करने चाहिए वो कर सकते हैं ना, चेक्स एंड बैलेंस करके ही कर रहे हैं, वो करें। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के एक अचानक आज आया ऐसे नहीं, पहले भी इसके विषय पहले भी हुआ है, एक इम्प्लीमेंट करके प्रयोग के नाते लाए हैं। कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके चार प्रकार के प्रश्न कई बार उठते हैं। ईवीएम के बारे में किसी ने उठाया जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो कई चीज़ें जब नई बात आती है तो उसके बारे में चार प्रश्न उठते हैं, गलत नहीं है, लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन द टाइम विल टेल हाउ बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव न्यू सिस्टम इज। तो इसके लिए प्रयोग करने के लिए छोड़ना चाहिए, ये संघ का विचार है। दीपक रंजन, पीटीआई वीडियो सर्विसेज से। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर की स्थिति ने समाज के दो वर्गों मैतेई कुकी के बीच गहरा घाव पैदा किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीमावर्ती राज्य गहरे और अकथनीय दर्द से गुजर रहा है। संघ ने वहां स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया? उसका अगले वाक्य में है, आपने जो पढ़ा उसके अगले वाक्य में वो है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैंने ही बनाया लिखा है। ऐसे है, संघ के कार्यकर्ता मणिपुर में संघ के स्वयंसेवक दोनों में हैं, कुकी में, मैतेई में भी, और मैतेई कुकी दोनों नहीं है ऐसे में भी है स्वयंसेवक। वहाँ नेपाली लोग हैं, वो नहीं तर मैतेई नार कुकी नेपाली भाषी है, ऐसे बहुत सारे लोग मणिपुर में हैं। उन सबके बीच संघ का कार्य है, स्वयंसेवक का कार्य करता है। इसलिए हमने पिछले एक साल के अंदर, 6 महीने जब से शुरू हुआ मई से, तो हमने कई बार कुकी के और मैतेई दोनों के लीडर्स के साथ बैठकर उसको शांत होने के लिए प्रयत्न किए। कुकी के क्षेत्र में कई जगह पर संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य करते हैं, कुकी समुदाय के लोग भी सेवा कार्य में लगे हैं, मैतेई के कार्यकर्ता भी हमारे में हैं, संघ के पदाधिकारी भी हैं, प्रचारक भी हैं। तो इसलिए हम मैतेई और कुकी दोनों सिंधु समाज के दो समुदाय हैं, उनके बीच अपने कार्य होने के कारण वहाँ के जो लीडरशिप है, इंटेलेक्चुअल सोशल लीडरशिप है, दोस्त हु आर एबो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ऐसे लोगों को हम मिलकर उन लोगों के बिठाकर बात करके करने के प्रयत्न हमने किया है, क्रमांक एक। दूसरा, मैंने कहा है उसमें घाव थोड़ा सा गहरा हो गया है। देखिए, जब सैकड़ों घर जला दिए हैं, सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है, घाव तो रहता ही है, इसलिए वो नहीं है ऐसे कहना अवास्तविक है, घाव है। उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। इसलिए वहाँ शांति आए, हिंसा ना हो, हिंसा ना बढ़के, समस्या का हल करना एक है, जो भी डिमांड है मैं तेलों का, उसको कैसे करना, संविधान के चौकट में कैसे करना, बातचीत में कैसे करना, वो एक है। लेकिन जो गांव पैदा हो गया हिंसा के कारण, उसको पहले दूर करना। इसे हिंसा के बजाय अक्रॉस द टेबल क्या बात हो सकती है, इस प्रकार के प्रयत्न हमने किया है। इसलिए पिछले 2-3 महीने में हिंसा को काफ़ी कम करने के लिए अपने कार्यकर्ता ने प्रयत्न किया, इसमें काफ़ी हद तक हम सफलता भी पाई है। लेकिन गाँव है इसे मैंने जो कहा है, इसलिए अभी काम थोड़ा सा अभी भी बचा है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति द्विवेदी है, दैनिक समाचार लोकतंत्र से। मेरा एक छोटा सा सवाल है, लोकतंत्र के महापर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या होगी? तो वो भी मैंने अभी बता दिया, और प्रतिवेदन में भी 3 वाक्य उसके संदर्भ में लिखा है, संघ के स्वयंसेवक 100% मतदान के लिए प्रयत्न करें, ये हमने कहा है।
दूसरा राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में समाज में एक लोकमत परिष्कार के कार्य करना है, वो हम साल भर करते हैं। सामान्यतः साल भर करते हैं, तो भी जब ऐसे अवसर आता है तो विषय चर्चा इधर उधर के जाति के बाकी विषय समाज के से होता है। इसलिए समाज के ध्यान को देश के बारे में खींचना ये करना चाहिए, इसलिए देश के मुद्दों को उठाए ये हम करना चाहते हैं। और संघ के कार्यकर्ता जो संघ के पदाधिकारी हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के काम तो नहीं करना, उसको पार्टी में इसलिए कुछ सावधानी उसके ऊपर कुछ निषेध है वो हम करते हैं, लेकिन जनजागृति होनी चाहिए, इसलिए लोकमत परिष्कार के कार्य संघ करता है। नमस्कार, अतुल पेटकर, ब्यूरो चीफ दिव्य मराठी। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन और स्वागत कि बीजेपी के चुनावी वर्ष में आज दूसरी बार चुनकर आ गए, तो ये उनके लिए शुभ संकेत है, बीजेपी के लिए आप आ गए। तो मेरा सवाल ये है कि मनमोहन वैद्य जी ने ये कहा था कि अल्पसंख्यक जो है वो संघ से नज़दीक आ रहे हैं, उनका जुड़ाव लगाव बढ़ रहा है और संघ भी उनमें सक्रिय हो रहा है, लेकिन उन्होंने व्याख्या नहीं बताई अल्पसंख्यक यानी उनके कौन कौन से समाज सम्मिलित है, सिख, बौद्ध या बाकी जो भी है, कौन से समाज संलग्नित है उसमें। उनका कहने का अर्थ है वैसे अल्पसंख्यक ये कॉन्सेप्ट ही जो अपने देश के संविधान में है उसके बारे में भी पुनर्विचार अपने को सबको करना चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक कहने से देश में कुछ अलग अलग होते तो फिर देश किसका है, सबका है ना, तो इसलिए सभी है। लेकिन अल्पसंख्यक कहने के पद्धति या वो विचार चल पड़ा है दशकों से, इसलिए रूढ़ार्थ में जो हिंदू हैं, हिंदू कोड बिल से जो हिंदू मानते हैं वो सभी का संगठित संघ करता ही है। अल्पसंख्यक कहने पर मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय भारत में सामान्यतः उनके अल्पसंख्यक माना है, तो मैंने जैसे बताया आपके प्रश्न के उत्तर में उनके साथ भी पूजनीय गुरुजी गोलवालकर के समय से लेकर सभी पूजनीय सरसंघ चालक ने संवाद रखने का प्रयत्न किया है और अपने संघ के कार्य में भी बहुत सारे लोग स्वयंसेवक के नाते भी इन समुदायों से हैं। हम उनको शोपीस बनाकर दिखाना नहीं चाहते, देखो हमारे पास इतने मुसलमान हैं, इतने ईसाई हैं, आवश्यक नहीं है, करना भी नहीं चाहते, तो फिर इतने ये है उतना वो है ये सब करना पड़ेगा। हम सबको राष्ट्रीयता से हिंदू मानते हैं, लेकिन स्वयं को राष्ट्रीयता से हिंदू अभी नहीं मान रहे हैं अथवा रिलीजन से नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोग डायलॉग के लिए संघ के पास वो भी बुलाते हैं, कई ऐसे हुआ है। हम भी जाते हैं केरल में ईसाइयों के साथ हम बैठे हैं, मुसलमानों के साथ मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह पर हमारे प्रमुख कार्यकर्ता स्वयं सरसंघ चालक जी से लेकर ये लोग करते हैं। इसलिए उन्होंने ये दिखाया है जो मनमोहन जी वैद्य ने कहा, उन्होंने ये उत्साह दिखाए हैं, उत्सुकता दिखाए हैं, हम संघ से डायलॉग करना चाहते हैं, बात करने चाहते हैं। हमने हमेशा इस डायलॉग को कोई भी नज़दीक आता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम करते हैं। सिख और इसके नहीं है इसमें। अल्पसंख्यक मानना नहीं चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये संविधान में माइनॉरिटी से नहीं। अब आर्टिकल 30 में रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटी कहा है, तो है ना संविधान में, इसलिए ये माइनॉरिटी के माइनॉरिटीज़म के जो पॉलिटिक्स चलता है इसको संघ ने पहले से विरोध किया है, देश एक है उसी प्रकार चले, ये संघ का कहना। सर मैं शिशिर आर्या टाइम्स ऑफ इंडिया से। राम मंदिर पे एक रेजोल्यूशन हुआ है 2003 में काशी और मथुरा के लिए भी हुआ था, उसको लेके आप संघ की क्या व्यू रहेगा? हमने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था संघ ने, बताता हूँ, विश्व हिंदू परिषद ने, धर्माचार्य ने किया था। राम जन्मभूमि में आंदोलन में संघ के स्वयंसेवक जुड़ेंगे ये हमने निश्चित किया था, वो हमने पूरा निभाया है। बाकी हिंदू समाज जो बहुत सारे विषय को कर सकते हैं वो करें, संघ के स्वयंसेवक भी वहाँ ऐसे विषयों में उनके व्यक्तिगत तौर पर कोई जुड़ता है तो
कोई समस्या नहीं है। और एक है काशी मथुरा के संदर्भ में, देखिए हिंदू समाज के मांग है कि नहीं, धर्माचार्यों ने विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को रखा है पहले से, तो हर विषय के आंदोलन एक ही प्रकार नहीं होता। मैं अभी एक सभा में जो बताया वो संतों के सभा में वही बताऊंगा, हर बीमारी के लिए दवा एक ही प्रकार नहीं होते, दवा भी बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है, समस्या के हिसाब से आंदोलन के प्रकार अलग होते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन की जो करना था वो हर चीज के लिए करना ही चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है, शायद उसके मार्ग अलग हैं। अभी कोर्ट में मामला है, उन्हें दीजिए, कोर्ट में मामला है तो एक वातावरण जो भी बना है उसके हिसाब से होगा। यदि न्याय अंततोगत न्यायालय में होना ही है, जो राम जन्मभूमि का हुआ तो न्यायालय देख ही रहा है, तो न्यायालय तो सुलझ गया है, तो आंदोलन करने उस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा कहना इतना है, हर समस्या का एक ही प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। काशी मथुरा के बारे में या और किसी के बारे में हिंदू समाज समय समय पर समाज के धार्मिक सामाजिक नेतृत्व के मार्गदर्शन में वो करेंगे, वो स्टेप जो करने हैं, अभी कोर्ट के सामने मामला है, देखेंगे कोर्ट भी क्या कहता है। सर, डिंपल शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर से, अभी आपने बात कही है कि संदेश खाली वाली जो घटना थी उस पर विरोध करने से ही नहीं बल्कि मानसिकता में भी बदलाव जरूरी है, तो उसको लेकर आगे क्या शिक्षा में या किसी तरह का पाठ्यक्रम ऐड हो, सोशल मीडिया कैंपेन किसी तरह का चलाया जाए, और जैसे कि राम मंदिर में अभी सफल अभियान हुआ था डोर टू डोर संपर्क करके, तो आगे महिला सुरक्षा को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पर संख्या क्या कहना है, इसको लेकर जवाब। एक बात मैंने पहले बताई, महिला सम्मेलन के जो हुआ देश भर में लगभग 450 सम्मेलन हुए हैं, 500,000 से अधिक महिलाएं इसमें आई है, इसके फॉलोअप एक्शन में इस प्रकार के बात में बहने सोचेंगे तो संघ उनके समर्थन देकर हम करेंगे, संघ हम तय करें वही होगा, बहने तय करें, हम समर्थन में पीछे खड़े हैं, ये हमारा एक। दूसरा, अहिल्या भाई होलकर जी के 300 का एक वक्तव्य कल जारी किया हमने, तो इस दृष्टि से भी महिलाओं के कर्तृत्व तो जो है उसका एक आइकॉन अहिल्या भाई होलकर है, तो इसलिए उसके कार्यक्रम में इसी विषय को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने बहनों से यही बात की, आपने महिला सम्मेलन किया है, हम सहयोग दिए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगला अलग नहीं है, समाज का काम है, लेकिन महिलाएं और हर कार्यक्रम को हम तय करें, इसके बजाय बहनें तय करें, हम साथ में हैं। आखिरी दो प्रश्न लेते हैं अभी, 1-2। हाँ दीजिए माइक। मनुवाद या फिर संघ को हराने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा, ये बात हर बार विपक्ष अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन संघ कभी भी अपनी ओर से कुछ भी जवाब नहीं देता। अब इस वक्त पूरा देश उत्सुक है इलेक्शन के लिए, संघ अब क्या उत्तर देगा? संघ वही परंपरा आगे कर, देखिए इस प्रश्न को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संघ अपने कार्य से उत्तर दिया है और देता रहेगा, समाज भी ऐसे प्रश्नों के बारे में उसके उदासीनता से देखकर संघ के को समर्थन किया है, तो इसलिए उत्तर मालूम है। और एक मैं बता देता हूँ, ऐसे प्रश्न खड़ा करने वाले लोगों को भी उत्तर भी मालूम है, वास्तविकता भी मालूम है, और कई ऐसे कहने वाले लोग प्राइवेटली कहते हैं अपने को अपने राजनीति करनी है, आप अपने काम करिए, तो ठीक है उनको करना है, इसलिए उत्तर देने की जरूरत नहीं है, वाणी से देने की जरूरत नहीं, काम से देना वो दे रहे हैं। मैं विकास वैद्य हितवान न्यूज़पेपर से हूँ, आपका अभिनंदन आप पुनश्च निर्वाचित होने के लिए, और एक मेरा सवाल है कि भारत सरकार ने 2047 जो मतलब जब अपनी फ्रीडम की जन्म शताब्दी हो रही है, तो उस विषय में विकसित भारत ऐसी एक संकल्पना, ये तो संघ की भूमिका क्या है उस संदर्भ में? संघ अभी शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को हमने जो सोचा है उसके बारे में सोचेंगे, सामान्यतः अमृत काल के संदर्भ में पूजनी सरसंघ चालक जी ने, मैं आज सरकारी वाह और बहुत सारे लोगों ने इस अमृत काल के संदर्भ में हमने सार्वजनिक रूप से कहा ही है, मैंने अभी प्रारंभ में भी जो कहा, एक स्वाभिमानी समृद्धशाली सुगठित भारत के सपना देखते हैं, जो विश्वगुरु ऐसे कल्पना
पहले से है, उस प्रकार के कार्य के संदर्भ में हमारा काम है। अब उसके लिए डिटेल योजना क्या बनानी चाहिए, केवल संघ नहीं बनाएगा, हम चाहते हैं समाज के सब प्रकार के लोग इस विषय में जुड़कर करें। इसलिए हम समाज के सज्जन शक्ति को मिलकर, समाज में संत शक्ति हैं, देश के उद्योगपति हैं, देश में शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं, थॉट लीडर्स हैं, ये सब मिलकर इस विषय के बारे में सोचें। ये इट इज़ नॉट द एजेंडा ऑफ एनी वन ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट और वन सेक्शन ऑफ पीपल, पूरे देश के हैं। और भारत के जो उत्थान होना है वो दुनिया के लिए है, केवल भारत के लिए नहीं है। इसलिए 2047 के संदर्भ में, अमृत काल के इस विषय में, इन सारे विषयों को करना चाहिए, ये हमारा है। डिटेल प्लानिंग विल कम, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी अप्रोच। तो शताब्दी वर्ष होने के बाद हमारे कार्य के जिस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे उसमें हम प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट करेंगे। अभी लास्ट, नमस्कार, डॉक्टर योगेश पांडे लोकमत से। कल ही चुनाव की घोषणा हुई है, तो वर्तमान केंद्र सरकार के पिछले 10 साल के कार्य का किस तरह से संघ विश्लेषण करता है, संतोष है उससे नहीं? और दूसरी चीज़ कि जो जून में नई सरकार केंद्र की आएगी उससे लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संघ की क्या अपेक्षाएं हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले भी हमने कहा है, अभी उत्तराखंड में उसके जारी किए हैं, उसके बारे में देश के अंदर उसके अनुभव को लेकर होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके स्वागत तो संघ ने किया ही है, पहले भी हमने कहा है। इसके बारे में हमने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में प्रस्ताव भी पारित किए थे कई वर्ष पहले, तो इसलिए वो तो है ही, उसका स्वागत किया है। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में 4-5 बातें जो आई है, उसके अभी जो एक्ट में एक राज्य के इसमें उत्तराखंड में आया है, वो एक करके अनुभव करके देखना चाहिए, धीरे धीरे पूरे देश में होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। हाँ, लेकिन उसमें डिटेल्स में कई बातें, अब उदाहरण के लिए जनजाति क्षेत्र के लिए अभी नहीं कर सकते, कस्टमरी लॉ है, तो इसलिए कई चीज़ें उसमें डिटेल्स के हैं, उस पर चर्चा होगी। अभी अभी 4-5 बातों के बारे में, सक्सेशन के बारे में, अडॉप्शन के बारे में, मैरिज के बारे में उसमें आया है, तो आगे बढ़े उसमें। एक एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, आपने पहले के जो बताया उसको थोड़े दिन में देश के लोग ही दे देंगे ना, 10 वर्ष में लोगों ने क्या किया है। संघ तो देश के मान बड़ा है, देश के अंदर प्रगति हुई है और सबका अनुभव है, ये केवल पहला नहीं है। दुनिया के 2500 देश के बड़े बड़े अर्थव्यवस्था लोगों ने द करेंट सेंचुरी इज भारत सेंचुरी ऐसे कहने वाले। मेरे पास 25 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इकोनॉमिस्ट से, सोशल एंड पॉलिटिकल लीड थिंकर्स है, उन्होंने जो कहा मैंने इकट्ठा किया है, इन सब ने पिछले एक साल में कहा है। G20 के संदर्भ में कई लोगों ने इसको कहा, तो भारत इस सदी के एक इट बिकम्स इंडिया सेंचुरी ऐसे उन्होंने कहा है, इसका अर्थ तो कुछ तो हुआ है, इसीलिए तो कहा है। तो मैं कहूँगा जून 4 तारीख के देश के लोग भी अपने विश्लेषण दे देंगे। CAA तो उसके रूल बना है, हो जाएगा 2024 तक का कट ऑफ डेट है, तो हो जाएगा कट ऑफ डेट रहेगा ही। देखिए कानून में कई चीजें एक चौकट में करना पड़ता है, उसको करके करेंगे, आवश्यकता है तो एक्शन भी करना है तो करते। चलिए अच्छा है, बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको, आते रहिए, पूछते रहिए, ठीक है, आप सभी